नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। नोएडा के बहुचर्चित श्रीकांत त्यागी मामले के तार अब उत्तराखंड से भी जुड़ गए हैं। तो नोएडा से फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी की आखिरी लोकेशन ऋषिकेश और हरिद्वार बताई जा रही है, जिसको लेकर राज्य पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है। तो UPSTF लगातार उत्तराखंड में श्रीकांत त्यागी की खोजबीन कर रही है, लेकिन राज्य पुलिस से अभी तक कोई भी सहयोग नहीं मांगा गया है। हालांकि DGP अशोक कुमार ने बताया कि राज्य पुलिस से अगर यूपी पुलिस की ओर से कोई भी सहयोग मांगा जाता है तो राज्य पुलिस पूरी तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं? तो अभय, माफ कीजिएगा, सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सौरभ, लगातार छापेमारी की जा रही है लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है। बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश SCF का उत्तराखंड के कई जगहों पर जो है दबिश देना बता रहा है कि श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड में ही है। बकायदा जो है SCF के द्वारा कोई भी उत्तराखंड पुलिस से मदद नहीं मांगी गई है, लिहाजा DGP अशोक कुमार ने जरूर कहा है कि सूचना जरूर है लेकिन जो जब तक UPSTF कोई मदद नहीं मांगेगी तब तक जो है कुछ किया नहीं जा सकता, जबकि उत्तराखंड पुलिस अपनी ओर से अलर्ट पे है। अगर कोई भी मदद की दरकार हुई तो जरूर जो है उत्तराखंड पुलिस इसके लिए जो है तैयार रहेगी और बकायदा पूरा सहयोग उत्तर प्रदेश पुलिस का किया जाएगा। जी, सुबह से छापेमारी चल रही है, लगातार टीमें भी गठित कर दी गई है लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक क्यों कुछ नहीं लग पाया है, जबकि लोकेशन भी ट्रेस की जा चुकी है? देखिए, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस का बहुत ज्यादा जो है इसमें रोल नहीं है, लिहाजा जो है उत्तराखंड पुलिस जो है सिर्फ सहयोग की भूमिका में जरूर दिखाई दे रही है। ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कोई सहयोग मांगा गया तो उसमें उत्तराखंड पुलिस पूरी तरीके से अपना सहयोग देगी, जिससे उनको जो है इस केस को वर्कआउट करने का पूरा मौका मिल सकेगा और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो सकेगी। लेकिन अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मांगा गया है। जी, तो UPSTF की या पुलिस की तरफ से क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि सहयोग नहीं मांगा जा रहा है, वहीं उत्तराखंड पुलिस का ये कहना है कि सहयोग दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मामला जो है उत्तराखंड में घटना स्थल नहीं है, घटना स्थल नोएडा है। बकायदा जब जो है कोई आरोपी दूसरे राज्य में शरण लेता है आ जाता है तो उसके लिए बकायदा संबंधित राज्य की पुलिस को जो है सहयोग की जरूरत होती है, तो वो राज्य की पुलिस से सहयोग मांगते हैं। लेकिन अभी तक जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई सहयोग नहीं मांगा और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ जो है किसी का कोई संपर्क भी नहीं हो पाया है, जिससे ये कहा जा सके कि उत्तर प्रदेश पुलिस अभी भी उत्तराखंड में दबिश दे रही है। जी, तो क्या कहा जाए सौरभ, क्या उत्तराखंड पुलिस भी लगातार इसकी खोजबीन कर रही है, क्योंकि काफी बड़ा मामला है, क्या उनकी तरफ से भी खोजबीन जारी है? देखिए, क्योंकि मामला जो है उत्तर प्रदेश का है, लिहाजा उत्तराखंड में अभी ऐसी कोई खोजबीन नहीं हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई जो है सहयोग मांगा गया या कोई भी मामला इस तरीके का उठा तो जरूर जो है उत्तराखंड पुलिस सहयोग करेगी। बकायदा जो है पुलिस का केस वर्कआउट कराने में पूरा सहयोग किया जाएगा, DGP का कहना है। बकायदा जो दून के पुलिस कप्तान है उन्होंने भी ये जरूर कहा है कि आला अधिकारियों के निर्देशन पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कोई सहयोग मांगती है तो। चलिए सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो लगातार श्रीकांत त्यागी की छापेमारी चल रही है, लगातार पुलिस उन्हें खोजने का काम कर रही है। तो UPSTF लगातार उत्तराखंड में श्रीकांत त्यागी की लोकेशन की खोजबीन कर रही है लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया। वहीं राज्य पुलिस का ये कहना है कि कोई भी सहयोग नहीं मांगा गया है। हालांकि DGP अशोक कुमार ने बताया कि राज्य पुलिस से अगर यूपी पुलिस की ओर से कोई भी सहयोग मांगा जाता है तो राज्य पुलिस पूरी तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार है। तो कई सवाल पुलिस पर भी खड़े हो जाते हैं, लगातार खोजबीन जारी है। वहीं पर 48 घंटे का समय दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो है अब त्यागी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, लेकिन 48 घंटे में भी कुछ ही घंटे बाकी है और अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है। अभी तक तो हमें यूपी पुलिस ने कांटेक्ट नहीं किया है, अगर वो हमसे किसी भी तरह का सहयोग मांगते हैं तो हर हालत में सहयोग दिया जाएगा उनको। तो लास्ट लोकेशन भी हरिद्वार इसी केस में देखी गई है, क्या हमारी उत्तराखंड के STF भी सर्च अभियान में जुटेगी?
अगर यूपी पुलिस हमसे सहयोग मांगती है तो उसे हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। आज आपने एक बहुउद्देश्य भवन निर्माणाधीन है, इसके काफ़ी काम इसमें हो चुका है, छोटे मोटे और काम साइड के हो रहे हैं, इसको हम जल्दी कराना चाहते हैं। अभी तक तो हमें यूपी पुलिस ने कॉन्टैक्ट नहीं किया है। वही दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। तो राष्ट्रपति भवन में सीएम धामी ने उन्होंने उनसे शिष्टाचार भेंट की। तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो सीएम धामी ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में सीएम धामी ने उनसे शिष्टाचार भेंट की है। तो साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं, साथ ही आज उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, सीएम धामी ने आज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर, जहां पर उन्होंने आज देश की जो नौजवान की बात करती है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उनसे शिष्टाचार भेंट यहाँ पर करी है, उन्हें जिसकी बधाइयां दी है, शुभकामनाएं दी है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य से भी जिस प्रकार से बड़ा समर्थन इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को मिला था, तो बड़ी जीत यहाँ पर उसी चीज से लगाई जा रही थी, क्योंकि उत्तराखंड दौरे पर जब एनडीए उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आई थी तो उन्होंने सभी लोगों से मतदान करने की, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील यहाँ पर की थी। और उसी अपील का ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष और सहयोगी दलों के विधायकों के साथ विपक्षी विधायकों का भी एक मत उन्हें यहाँ पर मिला था। और ये कहा जा सकता है कि अब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे तो उन्होंने एक शिष्टाचार भेंट के रूप में अपनी एक मुलाकात उनसे राष्ट्रपति से यहाँ पर की है। राज्य की तरफ से उन्हें राज्य में आने का निमंत्रण भी दिया गया, जीत की बधाइयां भी दी गई। साथ ही राज्य उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से इस समय काम कर रहा है, उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार से सरकार अपना काम यहाँ पर कर रही है, जनता को कैसे लाभ मिला, उन सब चीजों की जानकारी भी मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। तो कहा जा सकता है शिष्टाचार भेंट ही जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य के लिए भी कहा जा सकता है। और क्या कहा जाए, क्या सिर्फ शिष्टाचार भेंट ही थी, क्या सिर्फ शुभकामना ही दी गई है, या फिर मुलाकात के पीछे और भी कोई कारण था? देखो, अभी तक सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जो अभी तक के जो सूत्र वहां से बता रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री की सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट यहाँ पर रही है, और उसके अलग मायने इस समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी ये कह सकते हैं कि अभी नई जीत कर आए हैं और मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे पर थे तो उन्होंने एक समय उनसे मिलने का समय यहाँ पर मांगा था, शिष्टाचार भेंट की उन्होंने बात यहाँ पर की थी। और उत्तराखंड राज्य की तरफ से नए राष्ट्रपति को शुभकामनाएं और बधाइयां देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया। जी चलिए, अभय आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं उत्तराखंड में अमृत महोत्सव का काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो अधूरे हैं अमृत सरोवर, उत्तराखंड में लक्ष्य से पीछे चल रहा है अमृत सरोवर का काम। तो प्रदेश में अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए जाने हैं 1279 तालाब। तो अभी तक 247 तालाबों का ही निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। तो वहीं 15 अगस्त तक 375 तालाब बनाए जाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को अमृत सरोवर योजना की घोषणा की थी। तो योजना के तहत हर राज्य के हर जिले में तो 75 तालाब बनाए जाने की ये लक्ष्य तय किया गया है। तो योजना के तहत 959 नए तालाब और 320 तालाबों का होना है जीर्णोद्धार। तो ग्रामीण विकास विभाग को 926, वन विभाग को 312 अमृत सरोवर, तो शहरी विकास विभाग को 41 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह का लक्ष्य रखा गया है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अमृत सरोवर को लेकर जो लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित हुआ था उस लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक जो काम यहाँ पर हुआ वो 50% काम भी नहीं उसे कहा जा सकता है। पूरे ये कह सकते हैं कि पूरे राज्य भर में 1279 यहाँ पर अमृत सरोवर बनाए जाने थे, यदि आप जल संरक्षण को लेकर जो काम यहाँ पर होना था उसके तहत ये तालाबों का निर्माण यहाँ पर होना था, उसमें 920 ऐसे तालाब थे जो पुराने जो तालाब थे जिनका संरक्षण यहाँ पर यानी जिनका जीर्णोद्धार यहाँ पर किया जाना था, 320 तालाब ऐसे थे जो नए यहाँ पर बनाए जाने थे। साथ ही जो 15 अगस्त तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि अमृत सरोवर योजना के तहत 325 से नए पुराने जो जीर्णोद्धार के तालाब थे वो यहाँ पर पूरे कर लिए जाने चाहिए थे, लेकिन उसके सापेक्ष ये कहा जा सकता है सिर्फ 200 के करीब अमृत सरोवर तालाब योजना यहाँ पर बन पाई है। और ऐसे में जो कार्य की जो प्रगति है उसका अगर ओवरऑल पूरा एक आकलन यहाँ पर किया जाता है तो जो निर्माण संस्थाएं हैं जो किस समय इन तालाबों का जो काम देख रही है उनके कामों की रफ्तार बहुत धीमी यहाँ पर कही जा सकती है। तो अभी क्या कारण बताए जा रहे हैं जिससे कामों की रफ्तार जो इतनी धीमी चल रही है कि लक्ष्य अभी तक पूरा तक नहीं हो पाया है? बिल्कुल, अगर कार्यों की रफ्तार की अगर हम बात करते हैं तो जो निर्माणदायी एजेंसियां हैं वो इस दिशा में ध्यान भरपूर तरीके से नहीं दे पा रही है, जिस रफ्तार से यहाँ पर काम होने चाहिए थे उस रफ्तार से काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि जब स्थिति की जो आकलन रिपोर्ट यहाँ पर पहुंची है और उसमें जिस प्रकार से स्थिति ऐसे पाई गई तो अब ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जरूर विभागों को यहाँ पर दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे, शासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे जल्द से जल्द इस योजना को पूरा करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई योजना है और उन पर अगर इस प्रकार से धीमी रफ्तार यहाँ पर रहती तो राज्य के साथ एक बड़ा छलावा कहा जा सकता है और इससे जनता को भी लाभ नहीं मिल पाएगा बल्कि सरकार की जो छवि है वो छवि भी धूमिल होती नजर आएगी। जी तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है क्योंकि समय काफी कम है और लक्ष्य काफी बड़ा है? अभी तक तो जो सरकार ने जो अभी तक जो स्थिति यहाँ पर है एक रिपोर्ट यहाँ पर मांगी थी उसी के सापेक्ष उन सब चीजों का खुलासा यहाँ पर हो पाया है कि जो अमृत सरोवर योजना में जो काम होना था वो लक्ष्य पे के सापेक्ष अब बहुत कम नीचे अभी तक चल पा रहा है। जैसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जैसे ही दिल्ली दौरे से यहाँ पर लौटेंगे जरूर इन सब चीजों को लेकर सोचेंगे क्योंकि पेशेंट उनके मुख्यमंत्री के अधीन है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री सक्षम बरतते हैं तो फिर आने वाले दिनों में योजना की जो प्रगति रिपोर्ट होगी वो काफी बेहतर कही जा सकती है। जी तो अबे अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई करने की बात की जा रही है क्योंकि उनका कारण क्या है, अधिकारियों ने क्या कारण बताया इसका? देखिए अधिकारियों की तरफ से जो अभी तक जो बयान सामने आए उनका साफ तौर पर अधिकारी दूसरे विषयों पर भी काम होते हैं कि बात यहाँ पर कर रहे हैं, उनका कहना है कि विभाग के पास जिस समय जो प्राथमिकताओं के आधार पर जो काम थे क्योंकि मानसून सीजन इस समय चल रहा था तो ऐसे में जो दूसरी जो तरफ की चीजें थी यानी जो पेयजल की जो परियोजना इस समय बाधित हुई है अवरुद्ध हुई है उनको खोलने की यहाँ पर सबसे पहले कोशिश की गई है, उससे पहले गर्मियों में जिस प्रकार से जल आपूर्ति को लेकर यहाँ पर काम किया जाना था पहले उनको यहाँ पर करने का काम यहाँ पर किया गया था। तब ये कहा जा सकता है कि विभाग की तरफ से अब इस दिशा में त्वरित गति से काम करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से कार्यों की धीमी रफ्तार यहाँ पर कही अभी तक देखने को मिली है तो उसको देखते कहा जा सकता है कि विभागों पर इस समय अंकुश नहीं बचा है, सरकार नियंत्रण नहीं बचा है, यही वजह रही कि अधिकारियों के झुलमुल रवैये के चलते ये अमृत सरोवर योजना अपनी धीमी रफ्तार के चलते आगे बढ़ रही है जो आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर बन सकती है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की तरफ से बीजेपी कार्यालय जमीन मामले में लगाए गए आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा सभी के लिए मान्य होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने सरकारी जमीन जो कि सरकार में निहित थी उसे राजनीतिक प्रभाव के चलते अपने नाम करवा लिया था और वहां पर अब पार्टी का नया प्रदेश मुख्यालय बनाना चाहती है। अब मामला कोर्ट का है उसको हम अध्ययन करेंगे और संबंध में हमारे साथ ही नहीं जितने भी उस क्षेत्र में आवास बनेंगे सब प्रकार का विषय है, कोर्ट का जैसे विजन सब प्रकार से आ जाएगा उसको देखेंगे, कोर्ट का न्याय जो भी निर्णय सब मानते हैं हम भी मानेंगे, इसलिए कांग्रेस को विवाद खड़ा करने का नेचर में, इसलिए हमारे साथ ही नहीं उस पूरे इलाके में जितने लोगों के आवास हैं अगर उन सबके साथ संकट है उसका समाधान निकालेंगे कोर्ट में, और लोग भी बहुत लोग गए हैं
और इसी को कोर्ट का डिसीजन जो भी उसका काम सबको मान्य हो उसकी रजिस्ट्री भी उसकी दाखिल कर लिया जाएगी। अब मामला वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज से 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर रहेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आज पहले हरिद्वार की गंगा आरती में शामिल होंगे और फिर वहां से कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। फिर कल वो उधम सिंह जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां उसके बाद हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी और आखिर में मुलाकात के बाद वो बैठक में भी शामिल होने दिल्ली जाएंगे। वही रक्षाबंधन के मौके पर स्मृति ईरानी देहरादून पहुंची हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है, इसीलिए इतने बड़े कार्यक्रमों का आयोजन खुले मंच पर किया जाता है, जहां पर तमाम महिलाएं पार्टी के अध्यक्ष मंत्री विधायकों को राखी बांधती हुई नजर आती है। लेकिन कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष आज तक ऐसा नहीं कर रहा जो मंच पर बैठकर महिलाओं से राखी बंधवाता हो। प्रदेश को देश को परिवार माना, इसीलिए नरेंद्र भाई ने हर हिंदुस्तानी को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगवाई। प्रदेश को देश को परिवार माना, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अभिनंदन मात्र महेंद्र जी का, गणेश जी का नहीं बल्कि बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी का भी करते हैं। ये मंच त्योहार का है, राजनीति का नहीं। प्रदेश को देश को परिवार माना। वही नर्सिंग भर्ती शुरू किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड संविदा और बेरोजगार संघ से जुड़े नर्सिंग बेरोजगारों और संविदा कर्मचारियों ने देर रात कैंडल मार्च निकाला। एकता विहार स्थित धरना स्थल पर आंदोलनरत नर्सिंग बेरोजगार रविवार शाम परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए, उसके बाद कैंडल मार्च निकालते हुए सरकार से नर्सिंग भर्ती शुरू किए जाने की उन्होंने मांग भी की। आगे हम लोगों का प्लान है, अगर हम लोग जो है शासन हमारे बात नहीं मानता है और हमारे शासनादेश में देरी होती है तो हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे और पूरे प्रदेश से काम ठप करेंगे। काम ठप करो और देहरादून चलो, इस प्रकार के नारे को लेके हम देहरादून कूच करेंगे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हमने सरकार को जो है 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 7 दिन बाद अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हमारे जो बेरोजगार कर्मचारी हैं वो हमारे लोग सब आत्मदाह के लिए तैयार हैं और हम सचिवालय कूच करेंगे और वहां आत्मदाह करेंगे। वही स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका जोशीमठ में एक कॉम्पैक्ट मशीन लगाई गई है, जहां पर शहर भर से इकट्ठा होने वाले प्लास्टिक से ब्लॉक बनाकर उसे बेचा जा रहा है। इससे पालिका की अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। अभी तक नगरपालिका जोशीमठ ने 1 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है, तो वहीं काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि वो इससे खासे उत्साहित है। जब से कूड़े का रिसाइकलिंग करा जा रहा है तब से वर्तमान तक 73 लाख से ऊपर की इनकम नगर पालिका द्वारा अर्निंग की गई है और जो डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से यूजर चार्जर नगर पालिका द्वारा लिया है उसमें 35 लाख से ऊपर की आज नगर पालिका को वर्तमान तक प्राप्त हो गया है द्वारा जब से कूड़े का। वहीं पिछले 34 घंटे से स्वाला में बंद पड़े टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच को वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद वाहन चालकों यात्रियों और प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी भी पहाड़ी में मलबा गिरना जारी है। हाईवे खुलने के बाद फंसे हुए वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला जा रहा है, तो टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे शनिवार देर रात 10 बजे भारी मात्रा में मलबा आने से बंद हो गया था और सैकड़ों वाहन और यात्री हाईवे में फंस गए थे।
तो हाईवे बंद होने से टनकपुर के ककराली गेट में पुलिस ने वाहनों को रोक दिया था और लोहा घाट से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था। तो हल्द्वानी के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। यह हाईवे चीन सीमा को जोड़ता है। इसके बंद होने से चंपावत, लोहा घाट, पिथौरागढ़ और धारचूला और पूरा पहाड़ी क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा था। तो वहीं प्रशासन ने जरूरी होने पर हाईवे में सावधानी पूर्वक यात्रा करने को कहा है। तो वहीं डोईवाला शुगर मिल से जुड़े क्षेत्र के 5 गन्ना सेक्टरों को बंद करने के लिए मिल प्रशासन के आदेश के बाद से किसानों में खासी नाराजगी देखने को मिली। तो आज किसान सभा के साथ तमाम किसानों में तहसील में मिल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम एसडीएफ डोईवाला के जरिए ज्ञापन भेजकर पहले की तरह ही सभी गन्ना सेंटर चालू रखने की मांग की गई है। अगर वो मिल गेट तक गन्ना लाते हैं तो उन्हें भारी भरकम किराए से गुजरना पड़ेगा, उनकी आर्थिक हानि होगी। हम चाहते हैं, क्योंकि बड़े किसान नहीं, बड़े किसान तो गन्ना ले आ सकते हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए सामने बहुत बड़ी दुश्वारी होगी। और यही नहीं, जब गन्ना ट्रैक्टर से या ट्रॉली से जिससे भी गन्ना मिल तक लाया जाएगा, पूरे बाज़ार के अंदर जाम की स्थिति बनेगी। वो जाम की स्थिति पूरे बाज़ार के व्यापारियों को प्रभावित करेगी, जब व्यापारियों को प्रभावित करेगी, वो किसान और व्यापारियों के बीच में झगड़ा होने का पूरा संदेह रहेगा। हम ये चाहते हैं कि जैसे भी पहले से स्थिति बनी हुई है, एज इट इज ऐसे ही वो गन्ना सेंटर बहाल रहे, और ये जब तक बहाल नहीं होंगे तब तक हमारा। खबर देहरादून से है, जहां एक तरफ भाजपा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है, जिसको देखते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सफाई देते हुए कहा कि नागपुर में पूर्व में भी तिरंगा झंडा फहराया जाता था और जो झंडा वहां फहराया जाता था वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। एक बार फिर से इंडिया वॉइस की खबर पर मोहर लग गई है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में काफी लंबे से तेंदुए ने अपना आतंक मचा रखा था, जिसको लेकर इंडिया वॉइस ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लेते हुए अब तेंदुए को कैद करने के लिए काशीपुर में पिंजरे और कैमरे लगा दिए हैं। तो आपको बता दें कि काशीपुर में काफी लंबे समय से तेंदुओं की दस्तक देखी जा रही थी, तो तेंदुए ने पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बना लिया था। तो ग्रामीणों के दर्द को समझते हुए और अपना फर्ज निभाते हुए इंडिया वॉइस ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद उच्च स्तरीय वन विभाग के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और काशीपुर के क्षेत्रीय रेंजर को पिंजरे और कैमरे लगाने के आदेश दे दिए। तो इसके बाद आदेशों का पालन करते हुए वन क्षेत्रीय अधिकारी ललित आर्य ने काशीपुर में स्थित मानपुर के कौशाम्बी कॉलोनी में तेंदुओं को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे और कैमरे लगा दिए। जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से जो है सूचना मिल रही थी बार बार कि यहाँ पर जो है मानपुर में जो ये नई बस्ती कौशाम्बी कॉलोनी है, यहाँ पर जो है लेपर्ड देखा जा रहा है। तो इस संदर्भ में इसका संज्ञान लेते हुए हमने इसके लिए अनुमति के लिए लिखा था ऊपर से उच्च अधिकारियों को, वहाँ से आज हमको अनुमति प्राप्त हो गई है। तो हमारी टीम जब से हमको सूचना मिल रही है तब से हमारी टीम वन विभाग के निरंतर गश्त कर रही है और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है, और अनुमति मिलने पर आज हमने कैमरा लगा दिए गए हैं। और जो है गुलदार जो है का वीडियो भी मेरे पास में आया, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा लगातार गश्त की जा रही है, लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। और लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आसपास में जो है झाड़ियाँ हो रही हैं, यहाँ पर रात में लाइट की व्यवस्था करें और आसपास की झाड़ियों को काटें ताकि। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।